हेलो, आज का टॉपिक गॉस थ्योरम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेल, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times net charge enclosed by the surface. I repeat, net electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times net charge enclosed by the surface. और इसे हम ये कह रहे हैं कि फाई ई नेट जो होगा दैट इज इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट, क्यू टोटल नहीं, क्यू नेट। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है और नेट चार्ज निकालना है। नेट मींस बचा कुचा चार्ज। सारे पॉजिटिव होंगे सब जुड़ जाएंगे, सारे नेगेटिव होंगे सब जुड़ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे, नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे और फिर सबट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्यू नेट निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा एलैबोरेटिव वे में ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाई ई नेट इक्वल टू, निकलता कैसे है, phi e net. Now what is this? This is close integration of e dot da. Well, electric flux find करने के लिए हमारे पास calculus method e dot da था। कुछ books में आप ds देख सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ हम da symbol use करेंगे। ये इंटीग्रेशन में एक कॉन्टूर का बनना, ये है क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल। वेल, बुक्स में ये इंटीग्रेशन आपको ऐसा दिखेगा, पर क्योंकि ये और फाई दिखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से एक रेक्टेंगल लगाना बेटर समझता हूँ। आप लोग भी इसी की हैबिट डालिए ताकि किसी डाउट से बच सके। ओके, इस थ्योरम का प्रूफ ये पूछा जाता है। ऑलराइट, इसके प्रूफ के लिए पहली चीज, हमें एक चार्ज चाहिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस चाहिए। दूसरी चीज, हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए। अगर हमें कोई प्रूफ देना है तो किसी सिंपल फॉर्म से हम इस प्रूफ को दे सकते हैं। तो वी विल कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एनक्लोज्ड इनसाइड a closed surface of radius r. ये जो closed surface है ये कोई material surface नहीं है, ये एक imaginary surface है, एक hypothetical surface जिसे हम Gaussian surface कहते हैं। Gaussian surface एक symmetrical surface, convenience के symmetrical surface ले ली जाती है जो चार्ज को एनक्लोज करती है।
ऑल राइट, तो पहले हम बात करेंगे कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रहा है इस आर डिस्टेंस पे। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सेकंड थिंग, ये जो सरफेस है इस पे एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लेके, और भी छोटा, इसका एरिया वेक्टर भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा। तो अगर हम फाई निकालेंगे, फाई ई नेट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, नेक्स्ट स्टेप क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, सिंस ई एंड डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो ई डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो, दैट इज ई डी ए। यू हैव टू शो दिस साइड वर्क, इट इज नॉट अ रफ वर्क, दिस इज अ साइड वर्क, एक एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, वी नो दैट फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, ओ बट बिफोर दैट टेक ई आउटसाइड। Why? Because integration of area does not involve this electric field intensity. It is independent quantity, kind of constant. Now we can put E ke place mein rakh denge K Q by R square, where K equal to this K, where k equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. And here we have dA. Now what is dA? dA ka integration kai baar bache bol dete hain A. But A hai kya? Ek area, kaisa area? Now see this. Kabhi bhi aisa koi integration ho, वहाँ पे खुद से ये क्वेश्चन कीजिए कि ये है क्या। तो डी ए एलिमेंट्री एरिया वेक्टर है। दूसरा क्वेश्चन, ये है कहाँ पे? ये गॉसियन सरफेस पे है। गॉसियन सरफेस है कैसी? स्फेरिकल है। अब इस स्मॉल पैच को पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इट इज़ नॉट टू डी फिगर, इट इज़ थ्री डी फिगर, ऐसे कर्व है। तो हमें मिलेगा स्फेयर का सरफेस एरिया। सो इट विल बी के क्यू अपॉन, और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज के प्लेस में के की वैल्यू भी रख देते हैं, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, सो फाइनली इट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्रूव्ड। रिमेंबर वन थिंग, जो गॉस थ्योरम है हमारी, ये सरफेस के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को, लेट अस सपोज ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, इन्हें कैसी भी सरफेस एनक्लोज करती है,
इनसे गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा सेम रहेगा, नेट फ्लक्स। रिमेंबर वन थिंग, हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई डॉट ए फॉर प्लेन सरफेस। नाउ इट इज सेपरेट डिस्कशन, सो डोंट मिंगल इट विद दिस। फाई इक्वल टू ई डॉट ए, और अगर कोई कर्व्ड सरफेस है तो फाई इक्वल टू ओ सबस्क्रिप्ट ई, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया है कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला था इसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी, ये हर जगह एप्लीकेबल है, पर इसकी लिमिटेशन है ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। तो आगे के वीडियोस में गॉस थ्योरम पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। और गॉस थ्योरम को थोड़ा ब्रॉडर वे में भी देखेंगे। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए, और आप तक इसी तरह से वीडियोस पूरी 12th फिजिक्स के और भी टॉपिक्स पे वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। आई एम योर फ्रेंडली नेबरहुड शैडो मैन।